आपके जो आपके साथ बैग्स हैं या और भी मटेरियल और भी सामान है जूट का इस कार्यक्रम में आई हैं आप? हाँ मैं इसी में पूछता हूँ। सो देखिए अब ये प्रोग्राम का आखिरी चरण, जैसा हमने कहा था कि इसका हम लोग चाहेंगे कि आप लोग अपने घर, जैसे सरोज जी ने अपनी बात कही, आप भी ऐसा कोई यूनिक काम कर रहे हो, कोई विशेष चीज़ हो जो आप सबकी नज़रों में लाना चाहते हो, आप में से कोई भी और आना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम प्लीज। नहीं आप में से कोई ऐसा कुछ काम कर रहा हो अपनी कहानी, अगर आपको कोई है तो आप आइए बताइए। सावित्री जी आ जाओ, मतलब ये स्टेज सी है कि हम सबकी बात सुनते हैं, अपनी बात को तो कहें हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो लोगों को बताएं हैं। जैसे वो रिसोर्स, जैसे आपको ध्यान है वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन वाले आए थे, उन्होंने बताया था कि इस तरह के स्टेजेस का यूज करो, आप अपनी चीजें लोगों को बताओ जिससे वो स्प्रेड हो। सावित्री जी आपको माइक के लिए थोड़ा आगे आ जाओ, सावित्री जी थोड़ा आगे आ जाओ। आप सभी को मेरा नमस्कार, जैसे दो दूसरे पत्रकार साथी हैं। आप अपना परिचय दीजिए पहले, है ना? आप सभी को मेरा नमस्कार, दो दिन से वैसे अपन साथी है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके काफी कुछ सीखने को मिला। सर मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ और बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, काफी संघर्ष करके आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। मेरी शुरुआत सिक्योरिटी वन संस्था से हुई थी, जब जो ड्रॉप आउट बच्चे थे उनको पढ़ाने के लिए रात के समय में रात को पढ़ाती थी उन बच्चों को, दो सैलरी मात्र 850 रुपये। और थोड़े दिनों बाद में जब वो प्रोजेक्ट चला थी 2 साल तक का, वो 2 साल के बाद में GST की मैंने ज्वाइन किया, उसमें भी जो ड्रॉप आउट बच्चे थे वो स्कूल से छोड़ने का उन लोगों ने किया। उसके बाद में 2006-7-8 में मैंने तैयारी प्रोजेक्ट पर काम किया फिर मैं वापस सिक्योरिटी कौन से जुड़ गई और आज भी मैं सिक्योरिटी कौन से जुड़ी हुई हूँ। और सिक्योरिटी कौन में जुड़कर मैं राजविका में ही जुड़ी, अभी मैं क्लस्टर मैनेजर के रूप में राजविका में कार्यरत हूँ। और हमने सर सर जी मेरे पास 10 ग्राम पंचायत है और 10 ग्राम पंचायत में हम 10 ग्राम पंचायत में हम काम कर रहे हैं। 10 ग्राम पंचायत मैंने 2 SHG को ऐसा सक्सेस बना दिया मेरे पिछले गाँव का, जो कि राजपूत परिवार की महिलाएं हैं, उनके सबके पतिदेव बाहर रहते हैं और वो घर पे रहती है, उनके पतिदेव कोई के 6 महीने में आते हैं, कोई के 3 महीने में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि दीदी अपन 20 रुपये की बचत तो करते हैं, 7 दिन के साथ की अपन मीटिंग करते हैं, लेकिन इससे अपने को क्या फ़ायदा है, केवल बस ले लो दे दो ले लो दे दो ले लो, कुछ काम करें अपन। ठीक है, आपस में हमने एक ग्रुप का लिया, पहले तो उनसे पूछा भाई आप क्या करना चाहते हो, कि ऐसा ही काम करें चाहे अपन रेंट पे ले लेंगे कि ऐसे, और अपन नमकीन वाला काम शुरू कर देंगे, चलता है नहीं चलता। सर हमने इतनी अच्छी नमकीन बनाई कि 15 दिन के अंदर अंदर हमारे मार्केट में हमारी नमकीन इतनी फेमस हो गई, बिका जी नमकीन भी हमारे नमकीन के सामने हमारे पास खूब ऑर्डर आने लगे, हम बढ़िया काम करने लगे। फिर नमकीन वालों ने कहा कि थोड़ा और बढ़ा कर, फिर हमने मिक्सर नमकीन बनाना शुरू किया, फिर मिक्सर नमकीन में हमारी सक्सेस हुई क्योंकि हम बिना मिलावट की चीज़ है। फिर हमने दूसरा जो समूह था वो प्रेरित हुआ हमसे, बोला दीदी हमें भी काम मिला हो उसको करो। फिर हमने मसाला का काम सोचा, क्यों ना हम अपने नमकीन के लिए जो मसाला तैयार कर रहे हैं शुद्ध मसाला ऑर्गेनिक मसाला, उसी मसाले से हम हमारी नमकीन तैयार करते हैं, कितनी टेस्टी नमकीन उस मसाले से। हल्दी धनिया मिर्ची 3 प्रकार के हमारे मसाले हैं और मसाले की भी खूब रिक्वायरमेंट आ रही है हमारे पास में, तो खूब हमारा मसाला चल रहा है। प्रत्येक महिला को 25 महिलाएं आज मेरे साथ जुड़ी हुई है, ज़्यादा को नहीं जोड़ पाई सर क्योंकि अभी इतना ही कर पा रही, 25 महिलाओं को मैंने जोड़ लिया मेरे साथ में, और इतनी ईमानदार महिलाएं जो मैं कहती हूँ कि यहीं खड़े रहो ये काम करना है तो वैसा का वैसा, और जो अभी यहाँ करा केंद्र में लगा था यहाँ पे वहाँ पे भी हमें बुलाया, 2 बार बुला लिया सर, दोनों बार मेरे अच्छी सेल अच्छी यहाँ से जाती सेल। वर्मी कंपोस्ट में भी कुछ कर रही हैं आप? करेंगे सर उसका सोच रहे हैं, चलिए क्योंकि हमारे PRD प्रोजेक्ट में दीदी हमारे साथ, तो
उसका भी हमारा प्रोसेस चल रहा है। तीसरा जो असर जी है, हम चाह रहे हैं कि वो वर्मी कंपोस्ट पे काम करें। ठीक है, आप मैडम से जुड़ जाना, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इनको आप सप्लाई करना। 25 महिलाएं हम काम कर रहे हैं, इतनी संतुष्टि मिलती है। 200 रुपये हम पर डे महिलाओं को देते हैं। राजपूत महिला 10 बजे से 5 बजे तक मेरे साथ काम करती है। सेल आउट पे काम मेरे को देखती हूँ। 200 रुपये कम नहीं है क्या सर? सुबह 10 बजे से 5 बजे वाली बात गांव तक सर, गांव गांव ग्रामीण क्षेत्र। देखिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, हम कोई भी काम कर रहे हैं कम से कम इतना तो होना चाहिए कि भारत सरकार का जो मिनिमम वेजेस स्तर है वो तो मेंटेन रहे। लेकिन सर भारत सरकार के जब पैसे नहीं है ना, पैसे हमारे गरीब महिलाओं का, आपके पैसे पर इतना तो कमाओ आप। तो सर वो आप धीरे धीरे कमाएंगे जब उनकी कॉस्ट भी 1.5 साल हुआ है सर। हमने गाड़ी टाटा वाले से हमें मीटिंग हुई थी सर, गाड़ी वालों से 2-3 लोगों से, आप गाड़ी ले लो हम दे देंगे आपकी गाड़ी। लेकिन गाड़ी भी सर बजट देख के लेनी पड़ती है, पेट्रोल और डीजल तो चाहिए गाड़ी के लिए। हाँ तो सर आप तो ठीक कर रही हो, पर कई जगह क्या होता है एसएनजी के नाम पे महिलाओं का शोषण भी हो रहा है। इन दूसरे शब्दों मतलब मैं आपकी निकल, आप तो इस तरह की नहीं है कि आप शोषण करता खुद वहाँ, मतलब लोग एसएनजी महिलाओं से जैसे आप कह रही है ना 200-150 ऐसे में काम करवाते हैं। बिल्कुल, और स्पेशली जड़दोरी और आरा तारी का जो काम हो रहा है ना वो इसी पे ही हो रहा है। हाँ, इसमें बहुत तगड़ा मतलब ये गेम चल रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ना उन्होंने एसएनजी के नाम पे वो ग्रुप बना रखे, उनसे बनवाते हैं और उनको 100-200 रुपये महीने देते हैं। महिला सोचती है थाली बैठे 200 रुपये के लिए बहुत खुश है, लेकिन उनका मतलब आप देखो उसी चीज़ को वो कितना वैल्यू एडिशन करके बेचते हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये मैंने देखा है क्योंकि आपके जो राजनीति का है ना इसमें इस तरह के ग्रुप्स की ट्रेनिंग कराते हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह की। तो मैं 3-4 बार मैं वहाँ गया हूँ, मतलब कई प्रोग्राम्स मैंने ही करवाए, तो तब ये चीज़ मैंने नोट करी। उनसे कहा तो कुछ नहीं मैंने, क्योंकि नहीं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्वेशन से उम्मीद है आगे भी इसी तरह से सहयोग बना रहेगा और हम लोग इस नेटवर्क के माध्यम से हो सकता है कुछ अच्छा करने का कोशिश करता। अब ये प्रोग्राम समाप्त, मतलब 2 दिन का ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो रहा है, लेकिन आगे भी हम इसी तरह के प्रोग्राम्स कराते रहेंगे। आपसे हमने फीडबैक लिया है, उसमें हमने लास्ट में एक चीज लिखी थी कि आप और किस किस तरह के विषयों में किन चीज़ों में आप चाहते हैं कि ट्रेनिंग हो। उस फीडबैक के आधार पर हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तैयारी करेंगे कि किस तरह का क्या प्रोग्राम आप लोगों के लिए और बनाया जाए, जिससे आपके लिए जो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग है उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि आपको कुछ ठहरने वगैरह में कुछ परेशानी नहीं हुई होगी, और हुई होगी तो आपने जो है तो उस थोड़ा एडजस्ट कर लिया होगा, क्योंकि हमने कोशिश की थी जैसी भी व्यवस्था हो कुछ करें। पहले हमने कहीं और अरेंज किया था इससे बेटर जगह, उन्होंने कैंसिल हो गया था, आपका मैसेज भी आया था पर दूसरा हमने भेजा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे आर के शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी जो प्रीति जी हैं इन्होंने जो कोऑर्डिनेशन किया है तो इनको भी हम थोड़ा आपकी तरफ से सम्मानित करें, तो वो जो गिफ्ट है तो प्रीति जी को भी दिया जाए। ये हमारे यहाँ सब प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आप ही देखती हैं और आपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराए हैं, और शायद 2008 से हमारे साथ हैं। ये और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के मतलब हमारे जो डिवीजन है और महिलाओं के तो इन्होंने बहुत ही प्रोग्राम कराए एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ जी, यस इधर इधर दे। हाँ, एक वो विक्ट्री का साइन सर, थोड़ा नीचे हार्ड डाउन। हाँ यस, थैंक यू सर।